और यहाँ पर आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा है 41, अभी भी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन उससे पीछे है, लेकिन आराम से सरकार बनाने की स्थिति में जाती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए जेएम कांग्रेस प्लस इस वक्त 39 सीटों के साथ आगे चल रही है, उन्हें सिर्फ 2 का आंकड़ा और चाहिए इस बहुमत को हासिल करने के लिए। अजसू 5 पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा पीछे रह गई है। जेवीएम यानी कि वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आई है। बीजेपी 30 सीटों पर, वो बीजेपी जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन झारखंड में किया था, लेकिन घर घर रघुवर का नारा नहीं चला। इसके साथ ही अब की बार 65 पार का नारा नहीं चला, और 65 पार तो बहुत दूर की बात, देखिए 30 के आसपास ही सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं हेमंत सोरेन अगले मुख्यमंत्री बनते हुए हालांकि खोलकर अभी ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। वहीं दिलचस्प ये है कि रघुवर दास की ओर से कहा गया है कि शाम को रांची में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और अभी भी उनका ये कहना है पूरे नतीजों के बाद ही हम समीक्षा करेंगे, और अभी भी उनकी उम्मीदें कायम है। कई खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से आशुतोष आपसे, ये अभी भी जो रघुवर दास की उम्मीदें हैं इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा कॉशियस है, और हमारे ख्याल से अभी आपके संवाददाता ने कहा कि हेमंत सोरेन और जेएमएम भी कॉशियस है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये नतीजे जो हैं जब तक पूरी तरीके से बदलना बंद ना हो जाए तब तक किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जेएमएम की सीटें, गठबंधन की सीटें 45 थी और बीजेपी 25 या 24 में पहुंच गई थी, इस वक्त 39 पर और 30 पर है। तो अगर 2-3 सीटें अगर जेएमएम की दोबारा घट जाती हैं तो बीजेपी फिर कंटेस्ट में आ जाती है, तो वैसी स्थिति में दोनों तरफ से ये बात सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम गठबंधन की ही सरकार अंत में बनेगी, बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल वहां ज्यादा है। संजय जी, आलोक जी, क्या कहेंगे रघुवर दास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या है उनके पास कहने को? उम्मीद भी अजब सी चीज है पॉलिटिक्स में, अभी भी कह रहे हैं जब इस तरह की परिस्थिति है। दो चीजें हैं, एक तो यह है कि अभी काउंटिंग 3-4 राउंड हुए और तकरीबन 12-14 राउंड चलते हैं, तो काउंटिंग अभी लंबा चलेगा, और कई सीटें हैं जहां पर जो अभी फासला है वो बहुत कम है, तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था, ये जो आपको याद होगा हरियाणा में उन्होंने कहा था 75 पार और यहाँ कहा 65 पार, और हरियाणा में भी वो करीब आधे पे रुक गए। अपनी सीट रघुवर दास लग रहा है नहीं बचा पाएंगे, और जमशेदपुर पीछे चल रहे हैं वहाँ रघुवर दास पीछे चल रहे हैं। कुछ समय पहले वो 1400 वोटों से आगे चल रहे थे, उनको जब रिपोर्टर्स बना रहे थे तो बड़े खुश थे, अच्छा आगे, अच्छा 1500 खेल बिगाड़ तो नहीं रहे वहाँ पर उनका। बिल्कुल नंबर 2 पे सरयू राय है, और आप देख रहे हैं अभी वो पीछे हो गए, और कुछ समय पहले हमने जब देखा था तो वो करीब 1400 वोटों से आगे थे, तो ये आगे पीछे चलता रहेगा खेल। और मुझे लगता है जैसा मैं कह रहा था देर शाम तक शायद 4-5 बजे ही पूरी स्थिति साफ हो। अंजना, एक बार फिर से आंकड़ा बदल गया है, जेएमएम प्लस 40 और बीजेपी 29, सिर्फ एक मतलब 40 तो छू ही गए। आलोक जी, अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रादेशिक ने रघुवर दास के नाम पर चुनाव वहां पर, देखिए वहां मोदी वर्सेज नहीं था, वहां असली लड़ाई थी कि रघुवर दास, और जैसा जितने सर्वे आए आपने आपके एग्जिट पोल में भी आया, निश्चित रूप से रघुवर दास जिस तरह से फेल्यूअर साबित हो रहे हैं। और दूसरा एक और बात है, मेरा ख्याल है वो ये भी कहेंगे कि कुछ काम किया गया। देखिए ऐसा भी नहीं है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता, शायद सरयू राय की जिनके पास भी कई डिपार्टमेंट थे, ये नहीं कह सकते कि उन इलाकों में उन्होंने खुद काम नहीं किया। केवल काम करने से नहीं होता है, लोगों को कन्विंस करने की जरूरत होती है कि हमने काम किया और उसका परिणाम दिख रहा है। लेकिन आलोक जी, मेरा एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया वही 2019 लोकसभा में जहां पर शानदार प्रदर्शन करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसका ये हाल हो जाता है? चित्रा जी, यही मेरा कहना, मैंने आपको यही सुखा कि ये मोदी वर्सेस नहीं है, जबकि कोशिश की जाती है कि मोदी और अमित शाह ने वहां जाकर इतनी मीटिंग किया। लेकिन यदि पिछले 5 साल, देखिए बार बार आप याद दिलाएं कि बीजेपी 67 से मैं कह रहा हूं, जब जनता पार्टी या उसके पहले जो गठबंधन भी बनते थे, तब से ये स्थिति है कि बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने 2-2.5 साल में समीक्षा करके मुख्यमंत्री बदले हैं। अभी ये पहला ऐसा मौका आया है बीजेपी ने जब हर राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदला, और उससे यदि जो उनकी कमी दिखाई देती उस असंतोष को चलने दिया, और उसके बाद टिकट भी उनकी मर्जी से दे दिए, या तो टिकट बड़े पैमाने पर बदल दिए जाते, या मुख्यमंत्री को 6 महीने पहले कांग्रेस भी जहाँ जहाँ ऐसा पहले था यदि वो बदलती तो स्थितियां वैसी उतनी खराब राज्यों की। बिल्कुल आलोक जी, एक बार जरा परिस्थिति तमाम राज्यों की दिखाते हैं एक बार फिर से, अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक जेएमएम गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल जाना, ये 2017 से 2019 तक आते आते देखिए सिर्फ 2 साल में 71% शासित क्षेत्र से अब 35 पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, यानी आधे से भी आधा कम।
इससे आप समझ लीजिए कि क्या परिस्थिति बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या पूरी तरह से इसको बीजेपी के खिलाफ जनादेश से अलग करके देखना सही होगा। क्या आशुतोष जी, हमारे साथ अन्य मेहमान भी भारतीय जनता पार्टी और पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी। आशुतोष जी, आपके पास आने से पहले एक बार खेड़ा साहब के पास चलती हूँ। खेड़ा साहब, फिलहाल रुझानों के मुताबिक 40-41 यानी सरकार बनती हुई आपके गठबंधन की साफ दिखाई दे रही है, वजह इसके पीछे क्या देखते हैं आप खेड़ा साहब? सबसे पहले अंजना जी, आपके चैनल के एग्जिट पोल को मैं बधाई देता हूं। अभी तक तो यही लग रहा है कि एग्जिट पोल आपका सही साबित हो रहा है। मैं जीवीएल की भी बातों से सहमत हूं, आशुतोष जी की भी बात से सहमत हूं। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते किसी भी साइड को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए या मायूस हो जाना चाहिए। इंतजार करते हैं, अभी तक रुझान अच्छे लग रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हमने लड़ा, असली मुद्दे उठाए। जहां एक बच्ची भात भात कहते हुए मर जाए और आधार और राशन कार्ड का लिंकेज की वजह से, इस तरह के मुद्दों पर जो मुख्यमंत्री का रवैया था, अहंकारी रवैया था, उस पर भी जनता बहुत नाखुश नजर आई झारखंड की। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कोशिश की लाने की, इन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाने की कोशिश की, और आदिवासियों में एक रोष था इन दोनों संशोधनों को लेकर, और मजबूरी में इन्हें वापस करना पड़ा वो संशोधन जो लाने की चेष्टा की जा रही थी। तो आदिवासियों के मन में एक शिकायत थी कि एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो भी उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब उस मुख्यमंत्री ने उन आदिवासियों के खिलाफ काम करना शुरू किया तो वो गुस्सा बढ़ता चला गया, जो आज नतीजों में भी दिख रहा है। गठबंधन में तो आप जीते हुए नजर आ रहे हैं, अभी तक 40 का आंकड़ा जेएमएम कांग्रेस प्लस का दिखाई दे रहा है पवन खेड़ा जी, लेकिन सवाल ये भी तो है, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? हर जगह पर पीछे रहकर भी वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनकर भी अपनी जीत को इस तरह से सेलिब्रेट करती है जैसे कि बस उसी का मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। इस मानसिकता से कांग्रेस पार्टी कब निकलेगी? अब तो आप लोग भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चित्रा जी, बात ये नहीं है कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ये नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कौन तीसरे चौथे पहले दूसरे पे आ रहा है। हम सेलिब्रेट इस बात को कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र की सेलिब्रेशन है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, किन मुद्दों की जीत हुई। जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ते हैं, हमें उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने में गर्व है। हम अयोध्या, कश्मीर, CAA, NRC पे चुनाव नहीं लड़े, हम आदिवासियों पे चुनाव लड़े। हम राशन कार्ड और आधार के लिंकेज नहीं होना चाहिए उस पे चुनाव लड़े। हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़े। हमें गर्व है इस बात पर कि हम राजनीति करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर। हम हवाबाजी की राजनीति नहीं करते, जो हमने पिछले कुछ दिनों में झारखंड में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को आते हुए देखा कि आसमान से ऊपर मंदिर बनाएंगे। अरे साहब, अदालत का आदेश है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव से मत जोड़िए उसको। हम सिर्फ इस बात पर चुनाव लड़ते हैं, और इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। हम बार बार सेलिब्रेट करेंगे जब जब स्थानीय मुद्दों को जनता तवज्जो देगी। ठीक है पवन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ विनोद पांडे भी अब जुड़ गए हैं जो कि जेएमएम के महासचिव हैं। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ नेता LJP के यहाँ पर जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी, रोज शाम में 6 बजे बैठ के आप मोदी जी को डिफेंड करते थे, यहाँ और रघुवर दास पे हमला कीजिएगा। बीजेपी से अलग होकर चुनाव क्या लड़े चेहरे में? अरे मैं हमेशा खुश रहता हूँ बीजेपी को हराने पे। अरे सुनिए ना, सीरियस लीजिए, बड़ी खबर आपको एक्सीडेंट टोक रही है, अपनी बात कहिएगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जमशेदपुर पूर्व सीट पर, एक एक वोट की लड़ाई इस वक्त चल रही है, और यहाँ से अगर सरयू राय और रघुवर दास के बीच कांटे की टक्कर में रघुवर दास बार बार पीछे हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत मानिए, झारखंड से निकलता ये संकेत बीजेपी के फैसलों पर भी एक बहुत बड़ी बात कहेगा, क्योंकि ये बताएगा कि रघुवर दास के साथ जाना, तमाम विरोधी आवाजों के बावजूद उनको समर्थन देना शीर्ष नेतृत्व का क्या भारी पड़ गया। इस सीट पर रखिएगा नजर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, चलिए बताइए, बड़े खुश हैं आज आप। मेरा सिर्फ ये कहना है कि रघुवर दास जी से हम लोगों ने 6 बार बात की, और हमने कहा कि हमको 6 सीटें झारखंड में दीजिए, हमारे कैंडिडेट बड़ी अच्छी स्थिति में है, हमारी पार्टी अच्छी स्थिति में, लेकिन हमारे को मिलने का टाइम तक नहीं दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या गठबंधन धम बड़ी पार्टी ने बड़ी पार्टी का निभाया कि नहीं निभाया? एक तो ये सबक लेना जरूरी है। JDU को टिकट नहीं दी, हमको टिकट नहीं दी, AJSU को टिकट नहीं दी, क्या इन बातों का संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे कहा नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताइए। देखिए आपकी पार्टी जो है वो मौसम वैज्ञानिक है, भाई वो जहां भाप लेती है कि हार रही है पार्टी वहां पर उसके साथ नहीं जाती। इसके साथ ये भी एक बड़ी वजह नहीं, इसके साथ साथ एक और बात है कि जहां जहां पासवान जी गए हैं पहले से
वहां वहां बाकायदा जीत होती है, ये भी इसके साथ तथ्य है। ठीक है, तो अगर झारखंड में ये हमको देते तो शायद वो 1000 से नीचे की जो सीटें हैं जिनका वोट का आंकड़ा 1000 से कम का होगा। यहाँ पर आप लोगों ने वोट कटवा की भूमिका नहीं, वोट कटवा का सवाल नहीं है, पार्टी हमारी अपनी है, हम क्यों नहीं विस्तार करेंगे, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एक बार विनोद पांडे जी के पास चलते हैं, बिहार में साथ है, आज तो सबसे ज्यादा खुशी के हकदार जो साथ लड़ेंगे, बाकायदा लड़ेंगे। चलिए अभी हम वापस आएंगे इनके पास, एक बार चलते हैं विनोद पांडे जी के पास। विनोद पांडे जी, क्या देखते हैं आप इसे, रघुवर दास की हार, बीजेपी की हार, या फिर आपको वाकई लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस का ये पूरा गठबंधन अगर यूं ही टिका रहा तो बीजेपी के लिए परेशानी शुरू तो हो ही गई है, लंबे वक्त तक चलेगी। पांडे जी, देखिए अंजना जी, जिस तरह से इस विधानसभा चुनाव को लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले रघुवर दास जी के चेहरे को सामने रखा गया, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते गया, चरण बाई चरण चुनाव होते गए, रघुवर दास जी के चेहरे को किनारे करके और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया। और इस राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय थे, उन निर्णय के खिलाफ इस राज्य की जनता लगातार 5 वर्षों तक, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, सभी ने संघर्ष किया सड़कों पे उतर करके, और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनते चला गया। और गठबंधन जो हम लोगों ने इस राज्य में बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का, वो गठबंधन काफी मजबूती के साथ चुनाव में सामने रहा, और गठबंधन के चेहरा माननीय हेमंत सोरेन जी रहे। हेमंत सोरेन जी के चेहरे को हमने रख करके चुनाव लड़ा, और दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री को के चेहरे को रख करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अब तय करना है कि इस देश में जो चेहरे सामने रख करके जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, अगर रघुवर दास जी को भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया मुख्यमंत्री का, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वीकारिता नहीं रही। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पहली बार जिस तरह से यहाँ ताकत लगाने का काम किए, 5 सालों तक प्रधान रघुवर दास ने अपनी सरकार चलाई है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि हमारा जो गठबंधन रहा वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ा, तो क्या बीजेपी का गठबंधन नहीं बनाना, अकेले चुनाव में जाना, ये उसको महंगा पड़ गया है? नहीं, देखिए, महंगा भारतीय जनता पार्टी को उनके निर्णय पर है। इस राज्य में जो सरकार ने जो निर्णय लिए थे, वो निर्णय इस राज्य की जनता के अस्तित्व को समाप्त करने वाले निर्णय थे, और जनता लगातार उनके निर्णयों के खिलाफ संघर्ष करते रही, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के सवालों को लेकर के विधानसभा के अंदर में भी संघर्षरत रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो अभी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, सारे लोग मिल करके हम लोग सड़कों पर भी हम लोगों ने संघर्ष किया, और जनता को ये विश्वास हम दिलाने में कामयाब रहे कि आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो इश्यूज हैं, जिसको सरकार ने गलत तरीके से आपके अहित में लिया है, उन निर्णयों को हम जब सत्ता में आएंगे तो हम बदलने का काम करेंगे। ठीक है, और मैं पवन जी आपके पास भी आ रही हूँ, और वाजपेयी जी आपके पास भी, एक सवाल का खाली जवाब दे दीजिए, आजसू से बात कर रहे हैं या जेवीएम से, किसको अपनी तरफ ले गए? क्योंकि अभी जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 सीटों के लिए किसी की जरूरत पड़े, आजसू आपके लिए ज्यादा सहज है या जेवीएम? ये प्रश्न मुझसे है पांडे जी बता दें सर, क्योंकि वहां के नेता हैं और महासचिव भी हैं जेएमएम में, फिर मैं आपके लिए आपके पास आऊं। बोलिए पांडे जी। देखिए अंजना जी, आसू पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ा है, और झारखंड विकास मोर्चा ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोग सत्ता शासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो एक साथ आते हैं तो हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गठबंधन ऐसी स्थिति में है कि वो अपने दम पर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। ठीक है, चलिए, अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं वो,
आजसू या जेवीएम, लेकिन दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। ऐसे ही बाबूलाल मरांडी जेवीएम वाले हो सकता है बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है, तो उधर खिसक जाएं। और इधर आजसू से भी बातचीत लगातार करने के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस बीच आइए जरा आप सभी को सुना देते हैं, इसके बाद पवन जी, वाजपेयी जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता अब किस तरह से इन रुझानों को इस वक्त देख रहे हैं? हमारी झारखंड में फिर दोबारा सरकार बन जाएगी, चल जरूर रहा है, ये तो सभी लोगों को लग रहा था कि कांटेकार संघर्ष होगा, सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं। और अब तो एक प्रथा सी चल गई है कि भाजपा वर्सेस जाल, मोदी वर्सेस जाल, तो इस क्रम में है। लेकिन फिर भी जनता विश्वास कर रही है श्री नरेंद्र मोदी जी पर, और वो हम उसके आधार पर हम सरकार बनाएंगे। और शुरुआती दौर में तो बैलेट पेपर्स का काउंटिंग होती है, फिर जो ईवीएम टेबल्स पे जाती हैं, खुलती हैं, उसके नतीजे आते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा है कि टक्कर है और कांग्रेस पार्टी की बढ़त है और सरकार बनाने के नज़दीक। देखिए, बिल्कुल कोई झटका नहीं है और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि वहाँ की जनता ने जो 5 सालों में हमने एक अच्छी सरकार, जिन लोगों की सेवा की है और जो इतने अच्छे काम किए हैं, उसके बनिस्बत हमें पूर्व प्रचंड बहुमत मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। हाफे मार्क से हमारा गठबंधन ऊपर अवश्य जाएगा, और वैसे बाकी लोगों से भी हमारी बात है, हमारा बहुत अच्छे संबंध जेवीएम से रहे हैं, लोकसभा में हमारे साथ थे बाबूलाल मरांडी जी का कांग्रेस से, और हमारे गठजोड़ से अच्छे संबंध रहे हैं। झारखंड में अब भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने बारे में सोचे, कांग्रेस का रोज माला जपने से कुछ होगा नहीं। देश के बेरोजगारी के बारे में, देश में भ्रष्टाचार के बारे में, देश में किसानों के बारे में, इन मुद्दों पर अगर ज्यादा समय बिताती देश के लिए भी बेहतर होता और उनके लिए भी बेहतर होता। बार कांग्रेस पार्टी की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, स्थानीय मुद्दों को उसने छुआ भी नहीं, इसी वजह से ये बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। जबकि बीजेपी कह रही है शाम तक का इंतजार कीजिए, पासा भी पलट सकता है। इन सब के बीच हेमंत सोरेन के घर के बाहर जश्न का माहौल है, अगले मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं झारखंड के, कम से कम अभी तक की तस्वीर यही निकलकर सामने आ रही है। सत्यजीत हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, ऐसा लग रहा है कि जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता भी आपके साथ मौजूद हैं, बातचीत कीजिए अगली सरकार को लेकर, क्या बोल रहे हैं ये लोग? देखिए, बिल्कुल, देखिए जो बड़े नेता है उन्होंने अपने आप को सेलिब्रेशन से दूर रखा, अभी भी सेलिब्रेशन को सेल्व करके रखा हुआ है, बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो जोश में है, उत्साहित है, और देखिए मिठाई जो है लड्डू बांटने शुरू कर दिए हैं, जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कॉशसली ट्रेड कर रही है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर जेएमएम हो। कांग्रेस ने हालांकि दिल्ली के दफ्तर में जो है जश्न मनाना शुरू कर दिया है, यहाँ पे जश्न अभी भी बाकी है। बबलू पांडे हैं, तमाम कार्यकर्ता, इन सब बात करते हैं, ये क्यों दूर है, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं मीडिया है सामने में? हेमंत जी, अभी भी क्या कुछ शक सुबह बच गया क्या आप लोगों को, या ओवरसियर होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं? वो बात नहीं है, पूरे राज्य की बागडोर उनको संभालनी है, और राज्य में जहाँ जहाँ भी हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से फीडबैक आ रहा है, कहीं कुछ परेशानियाँ हैं तो वो सब मॉनिटरिंग चल रहा है उनके स्तर से भी, और उसी में व्यस्त है वो। अच्छा। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद वो आप लोग से भी रूबरू होंगे, सबके सामने रूबरू होंगे, जनता के लिए दो शब्द बोलेंगे भी। तो अभी जो हालात हैं, काउंटिंग चल रहा है, और जो हमको खबर है हम लोग 45 प्लस में लीड कर रहे हैं, हम लोग 50 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, हम लोग वो टारगेट अचीव करेंगे। चारों तरफ से अच्छी खबरें हैं, संथाल परगना, कोल्हान, पलामू प्रमंडल, सभी जगह से। नहीं, किस तरह की तैयारियां हैं, पटाखा वगैरह लेके खरीद के रखे हैं क्या? अभी भी खरीदना बाकी है? तैयारी पूरी हो चुकी है, मिठाइयां आ चुकी है, और जनता जनता खुद अभी आप लोगों ने खरीदा नहीं है क्योंकि अभी आपको लग रहा था कि पिक्चर कहीं डाइसी है। ये खुशी हमारे लिए नहीं है, ये पूरे झारखंड में आपको एक उत्सव नजर आएगा, लोग खुद ब खुद सड़कों पर उतरेंगे, ढोल मजीरा लेके उतरेंगे, पटाखे फूटेंगे, मिठाइयां खिलाई जाएंगी, ये पार्टी प्रायोजित नहीं है, ये जनता खुद ब खुद करेगी। अच्छा जी, सत्यजीत करेगी पटाखे की, जहाँ की जहाँ तक की बात है कि पटाखे नहीं खरीद के रखे हैं, पूरी तैयारियों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बस सिर्फ आदेश की जरूरत है। जी देखिए, बिल्कुल, इन लोगों ने बताया है कि किस तरह से जो है कॉशसली जो है किया जा रहा है,
कि किसी तरह का कोई फ्लिप फ्लॉप करे और किसी तरह का कोई पाल्पिटेशन रिजल्ट में हो, जिस तरह से कोई ट्रेल कर रहा है, कभी लीड कर रहा है, कोई कोई ट्रेल कर रहा है, तो इसी वजह से ये लोग जो है पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं और रिजल्ट जो है वो भी प्रोसेस जो है थोड़ा सा जो है राउंड जो है वो धीरे से आ रहा है, धीरे धीरे किया जा रहा है, क्योंकि वहां प्रशासन भी जो है वो एक्स्ट्रा श्योर होना चाहती है। बिल्कुल, आप बने रहिए, सत्यजीत हमारे साथ मौजूद है हेमंत सोरेन के घर के बाहर से, जहां पर अच्छी खबर में भी मुहर की है इस वक्त दरकार, और इसीलिए शायद सब इंतजार कर रहे हैं कि पूरी तरह से हो जाए, नतीजे आगे आ जाए। हालांकि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर जश्न मनाने की शुरुआत हो गई है। यूपीए की बल्ले बल्ले से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आरपीएन सिंह ने मोर्चा संभाला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर पूरी रणनीति को देखा जाएगा, क्योंकि आजकल राज्यों में तमाम पार्टियों के गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर अंत तक कैसे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कई सारे दाव पेच होते हैं, महीनों महीनों मामले लटकते हैं, ऐसे मतभेदों को कहीं पर ढक्कन लगाकर आगे बढ़ पाना एक बड़ी चुनौती होती है, और इसीलिए यूपीए की बल्ले बल्ले हम इसे लिख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं, पवन खेरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, सियासी रूप से अगर हम इसे देखें तो आप खुद ही जीत के विश्लेषण में सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, तो क्या हम माने कि आप पूरी तरह से इसे रघुबर दास की हार के तौर पर ही देख रहे हैं, या फिर सियासी रूप से ये आपको सूट करेगा कि इस हार को आप मोदी जी के मत्थे भी मर दें? नहीं, हम बिल्कुल इसको रघुबर दास जी की ही हार मानते, बशर्ते मोदी जी और शाह साहब वहां जा के बार बार सीएए एनआरसी की रटन नहीं लगाते, तो हम तो यही बोलते कि रघुबर दास जी की हार है। अब जैसा कि आपकी डिबेट्स में अक्सर ये हुआ है, आपने भी देखा है कि अरे जीएसटी के बाद हम फला चुनाव जीत गए तो जीएसटी की जीत हो गई, नोटबंदी के बाद हम ये वाला चुनाव जीत गए तो नोटबंदी की जीत हो गई, हम तो तब भी नहीं मानते थे। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं क्या ये सीएए एनआरसी की हार हो गई? इनको जवाब देना चाहिए। हम अपने मुद्दों पर कायम हैं, ये मुद्दे स्थानीय मुद्दे थे जिन पर हम लड़े, हम बार बार जनता से जुड़े हुए ही मुद्दे उठाएंगे, लेकिन हम इनसे जरूर जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, मैं डिबेट नहीं कर रहा इनसे, लेकिन आपके माध्यम से जानना चाहेंगे क्योंकि आप गवाह रही हैं इस तरह की डिबेट्स की। यारे देखो जीएसटी जीत गए, नोटबंदी जीत गए, पूछिए इनसे क्या एनआरसी जीत गए। ठीक है, आपने ये खुद ही कहा है, तो गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ी गए हैं, लगे हाथ उनसे पूछ ही लेते हैं, एनआरसी सीएए सबसे भव्य राम मंदिर, क्या गौरव भाटिया जी क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं? मुस्कुरा बहुत रहे हैं आज की सुबह, लेकिन ये 30 का आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है आज गौरव भाटिया जी। जब तक मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुरा लीजिए, लेकिन एक एक करके राज्य आपके हाथों से निकल रहे हैं भारत के नक्शे में, जहां पर आप पहले 70% क्षेत्र में शासन में थे, अब आप 34-35% पे सिमट गए हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, ये मुस्कुराहट जो हमारे चेहरों पर रहती है ये जनता की ताकत की वजह से है, तो इस मुस्कुराहट को कोई छीन नहीं सकता है। दूसरी बात, जब कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं तो उनको बधाई देने का मन इसलिए करता है कि कम से कम कुछ दिन तो वो लोग आके चर्चा में, संवाद में विश्वास जताते हैं। तीसरी बड़ी बात, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं अंजना जी, मैं आज पूछना चाहूंगा ईवीएम ठीक है या कल फिर कपिल सिब्बल जी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम खराब हो गई। चौथी बड़ी बात, देखिए अभी सारे परिणाम आए नहीं है, सारे परिणाम आ जाने दीजिए। रघुबर दास जी ने झारखंड की जनता के लिए कार्य किया, 5 साल की स्थिर सरकार दी, और इस चैनल पे आने से पहले जब मैं देख रहा था तो करीब 7 सीटें ऐसी हैं अंजना जी जहां पे मार्जिन जो है ट्रेंड्स में 500 से कम वोट का है। तो जब सारे नतीजे आ जाए उसके बाद चर्चा होगी जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई। एक बात और कहूंगा, हर बार चुनाव के परिणाम आते हैं, चाहे वो सरकार कहां से बनाइएगा गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी जो है संसद के चुनाव जी, अब आप जो स्थिति आई है उस पर बात करते हैं ना, कहां से सरकार बनाइएगा? 30 पर आप हैं, 41 चाहिए, 3 आजसू वाले आपसे अलग होके चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी ये कहते हैं मोदी को डिफेंड करेंगे, हम झारखंड में तो किसी भी तरीके से रघुवर दास के पक्ष में नहीं बोलेंगे। जेवीएम की तरफ से बाबूलाल मरांडी जी आपके हाथों से इतने परेशान हैं कि अभी भी कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी भी हाल में सूरत बनना मुश्किल दिखाई देती है, और इन दोनों को भी जोड़ लीजिए तो मुश्किल है, 4 अन्य भी ले लीजिए तो मुश्किल है। अंजना
अंजना जी देखिए, आपने कहा कैसे करेंगे, तो मैं फिर कहूंगा दो बातें। सबसे पहले तो सारे परिणाम आ जाने दीजिए, जो अभी 30 का आंकड़ा है, जैसे मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, और अगर 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां 500 से कम मार्जिन है तो यह आंकड़ा बढ़ेगा। और दूसरी बात, ये टीवी डिबेट में मैं नहीं बता सकता हूं कि कैसे सरकार बनाएंगे, जब परिणाम आ जाएंगे तो कुछ दल ऐसे जरूर हैं जो हमारे साथी भी रहे हैं, संवाद की हमेशा जगह रहती है, तो उसके बाद इस हुनर में आजकल बहुत मात खा रहे हैं, चकमा दूसरी पार्टियां दे दे रही हैं आपको। गोवा के बाद सबने ऐसा सबक सीखा है कि कोई मौका छोड़ते नहीं है। एक बार चलते हैं पवन खेड़ा जी के पास, वाजपेयी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। पवन खेड़ा जी, दो सवाल हैं आपसे। देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन आप देखें तो जो CAA NRC है वो आखिरी के फेजेस में ही आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ज्यादातर लोगों की, अभी तक एक्सपर्ट्स की यही राय है कि रघुवर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के हाल ही के नतीजों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं 6 महीने के अंदर, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहे और इसी वजह से आपको, और बीजेपी की हार इसमें ज्यादा है क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पाए रघुबर दास, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें चुना था, और खास तौर पर जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर JMM का अच्छा करना ये बताता है कि रघुबर दास नॉन ट्राइबल CM का चेहरा चुनना भी बीजेपी को भारी पड़ा। क्या सर, अंजना जी, 15 सीटें जिन पर कांग्रेस आगे चल रही है उसमें से 10 ऐसी हैं जिसमें सीधा बीजेपी से लड़ाई है, तो इस पे तो ज्यादा ना बोलें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। 5 चरणों में चुनाव, तो मोदी जी की सहूलियत के हिसाब से चुनाव आयोग ने रखा था, छोटा सा राज्य, 81 सीटें, 5 चरणों में चुनाव, सब कुछ प्रयास कर लिया। ये वही राज्य है और ये वही चुनाव है और ये वही प्रचार है जहां प्रधानमंत्री ने जाकर कहा था कि क्या पाकिस्तानियों को यहां का सिटीजन बनाना है, ये चुनौती दी थी उन्होंने विपक्ष को। ये तमाम चुनौतियों का उत्तर आज मिलता हुआ दिख रहा है। अब भी अगर प्रधानमंत्री नहीं चेते तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। कौन सा बड़ा चेहरा था सर कांग्रेस पार्टी का झारखंड में? हमारे तो लोकल लीडरशिप पूरी, बड़ी लीडरशिप काफी हद तक छोड़ के जा चुकी थी। उसके बाद भी RPN सिंह जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, पेशेंस से, सब्र से सबको जोड़ा। राहुल गांधी ने 5 रैलियां की वहां जाकर। बड़ा छोटा नहीं होता, चेहरा और व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता, इनके लिए रखता होगा, हमारे लिए मुद्दे महत्व रखते हैं और हम तमाम, हमारे नेताओं ने वही मुद्दे उठाए जो जनता को कर्णप्रिय लगे, जनता को लगा हाँ हमारी आवाज, हमारे मुद्दों की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। एक सवाल है जिसके बाद चित्रा के पास चलेंगे, वो तमाम आंकड़े आपको दिखाएंगे। आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, हालांकि थोड़ी झिझक के बाद में, क्या जीत का श्रेय आप राहुल गांधी को दे रहे हैं झारखंड में? क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने भी जाके कई रैलियां की थी, लेकिन पवन जी आप उनका नाम नहीं ले रहे। मैं किसी का नाम, आपने कहा बड़े चेहरे, आपने याद दिला दिया, जी हाँ, संथाल परगना में बहुत बड़ी रैली प्रियंका जी ने भी की। हम व्यक्तियों की बात ही कम करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। हमारे जो नेता राहुल जी और प्रियंका जी भी अगर वहां गए तो उन्होंने क्या बात की? उन्होंने स्थानीय मुद्दों की बात की, उन्होंने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की बात की, उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात की, उन्होंने आधार और राशन कार्ड के लिंकेज के विरुद्ध बात की। तो बात क्या की है वो ज्यादा महत्व रखती है। बात किसने की ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व रखता होगा कि अमित शाह कहते हैं NRC होगा, मोदी जी कहते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, जो भी कह रहा है NRC होगा वो अर्बन नक्सल है। अब पता नहीं आपस में तय कर लें कौन अर्बन नक्सल है, हम तो इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, परिवार की लड़ाई है, परिवार जाने। ठीक है, किशोर यादव हमारे साथ झारखंड के बीजेपी के प्रभारी है, जरा उनसे एक सवाल लेके ये आंकड़े आपको दिखा पाएंगे। आपसे मेरा यही सवाल है, देखिए रघुबर दास के नेतृत्व में जिस तरह का, मुझे लगता है सुजीत झा है क्या उनके साथ, सुजीत पूछिए इनसे, 30 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से मामला लगता है हाथ से निकल चुका है। ये साफ संकेत है कि रघुबर दास के चेहरे को लोगों ने नकार दिया JMM प्लस का, ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान में एक और राज्य का बीजेपी के हाथ से निकल जाना। सुजीत, हमारे साथ नंद किशोर यादव हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और झारखंड के सह प्रभारी। नंद किशोर जी, आप पूरे चुनाव में लगे रहे वहाँ झारखंड में, और जो स्थिति है अभी
65 पार की बात आप लोग करते थे, 30 पर आकर अटक गए। रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कहाँ कमी रह गई, क्या चूक, कहाँ चूक हो गई? देखिए अभी गणना पूरी नहीं हुई है, अभी मुश्किल से 4-5 राउंड की गणना हुई होगी। और मुझे लगता है कि जो झारखंड के अंदर मतदान केंद्रों की संख्या है तो 20-25 राउंड की गणना के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित होंगे। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, इसमें आप पूरी स्थिति का आकलन ठीक नहीं हो सकता है। और मैं तो देख रहा हूँ कि 15 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ 1000 के कम वोट से भी हार जीत हो रही है अभी, तो मुझे लगता है कि पूरे चुनाव परिणाम आएंगे तो शायद स्थिति बदल जाएगी। लेकिन 30 पे हैं, 65 की बात कर रहे थे, कहाँ से रिकवर करेंगे, 41 कहाँ से, आंकड़ा कहाँ से आ पाएगा? देखिए 65 हम पार करेंगे कि नहीं पारेंगे ये संदेह के घेरे में हो सकता है। हमने तो 65 का लक्ष्य इसी रखा था कि 63 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में हम आगे हुए थे, लेकिन जनता का रुझान कुछ और है, जनता का रुख उस प्रकार का नहीं है कि 65 पार कर सकते। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जो जनता का भरोसा हमारे ऊपर दिखा था मुझे चुनाव में कि सरकार भाजपा की बनेगी, अभी भी आप कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनेगी? बिल्कुल, मुझे अभी भी लगता है कि जब पूरे चुनाव परिणाम आएंगे तो भाजपा के नेतृत्व ही सरकार झारखंड बनेगी। ठीक है, हालांकि पार्टी के अंदर भी ऐसे ऐसे सरयू राय जैसे नेता थे जिनके रहते हुए शायद बहुत ज्यादा बाहर और दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चित्रा एक बार आंकड़ों के नजरिए से अगर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाएं कौन से एरिया में, कौन से रीजन में किस तरह से मामला फिसल रहा है इस वक्त बीजेपी के हाथ से? बिल्कुल अंजना, देखिए स्टूडियो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं कंप्यूटर बाबा के पास, जो आंकड़ों के जरिए दर्शकों को बताएंगे कि आखिर बीजेपी की अगर यह हालत है तो उसके पीछे की वजह क्या है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्षेत्रवार हम दिखाने वाले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने वहां पर लीड बना ली है और शाम होते होते नतीजे भी तकरीबन उसी रूप में आने वाले हैं। कंप्यूटर बाबा को हम खोलते हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे सीटों का गणित अभी क्या कहता है, 2004 का क्या रहा था ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें 2014 में इस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार 30 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, आगे पीछे भी नहीं, उसका आंकड़ा यहीं पर ठहरा हुआ है। और उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अपने सहयोगियों को अपने साथ बीजेपी नहीं कर पाई, इस वजह से उसका यह हाल हुआ। यहां पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी भी इसमें शामिल है, जो 41 सीटों पर सरकार बनाने के लिए 41 का ही आंकड़ा चाहिए, देखिए प्लस 16 यहां पर जुड़ रहा है, यानी कि 16 सीटों का सीधे सीधे फायदा इस महागठबंधन को हुआ है। और यह अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, आरजेडी के लिए, 41 सीटें यहां पर सरकार बनाने का यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उसको बिल्कुल टच कर लिया है इस पार्टी ने। जेवीएम 3 सीटों पर इसको 5 सीटों का नुकसान हुआ है, आजसू को 2 सीटों का नुकसान हुआ है, 3 जेवीएम को मिलती हुई, आजसू को 3 सीटें मिलती हुई और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या अभी तक बीजेपी जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रही है उसके पीछे की वजह यह है। आप जरा आंकड़ों को देखिए, 30 सीटें बीजेपी की, इन दोनों को मिला ले तो 6 सीटें हो जाती हैं 4 ये, और इस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर कुल 40 सीटें हो जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हुए 40-41 कम से कम बीजेपी यही गुड़ा भाग करने में इस वक्त लगी हुई है। और अब आगे बढ़ते हुए जरा क्षेत्रवार आंकड़े आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या फिर संथाल परगना से हम शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड का ये पूरा का पूरा इलाका संथाल परगना का, और रंगों के जरिए भी आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना जहां पर पार्टी ने अच्छा किया था, इस बार सिर्फ 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जेएमएम कांग्रेस प्लस यहां पर 11 सीटों पर, यानी कि बीजेपी से कहीं ज्यादा अच्छा। झारखंड विकास मोर्चा 1 सीट पर, आजसू का खाता नहीं खुला है, ये है संथाल परगना का। उत्तरी छोटा नागपुर की हम बात कर ले, ये जो मध्य का इलाका आता है झारखंड का, उत्तरी छोटा नागपुर इसको कहा जाता है, यहां पर कुल 25 सीटें हैं, बीजेपी 8 पर आगे चल रही है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन यहां पर 12 सीटों पर, जेवीएम 1 सीट पर, आजसू यहां पर 2 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही हैं। कोल्हान के इलाके में आपको चलते हैं, ये जो निचला इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कोल्हान का इलाका है, 14 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी 4 सीटों पर, यहां पर अच्छा प्रदर्शन, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन 2014 के मुकाबले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और इस इलाके से, कोल्हान के इलाके से अच्छी खबर सामने आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लिए। दक्षिणी छोटा नागपुर, ये पूरा का पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, 15 सीटें यहां पर हैं, बीजेपी 8 सीटों पर, ये वो इलाका है दक्षिणी छोटा नागपुर का। अभी तक के जितने भी आंकड़े आपने देखे अलग अलग इलाकों के, कम से कम इस इलाके में जेएमएम और कांग्रेस पर बीजेपी को बढ़त है, 8 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे चल रही है।
जेएमएम, कांग्रेस गठबंधन 5 सीटों पर, जेबीएम 1 पर, आजसू 1 सीट पर आगे चल रही है। और अब पलामू की बात कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा पलामू का आता है, 9 सीटें यहां पर हैं। बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में, और जीत का अंतर जरा 1000 के आसपास जीत का जो अंतर है वो भी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जीत का अंतर 1000 से कम का हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी, देखिए भारतीय जनता पार्टी, उम्मीदें अभी भी इस पार्टी की अगर कायम है तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हार का आंकड़ा 1000 से भी कम है और बीजेपी वहां पर फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसलिए उम्मीदें उसकी बाकी हैं। कुल यहां पर 6 सीटें हैं, 81 में से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000 से कम का आंकड़ा है, बीजेपी की उम्मीदें बाकी हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए भी देखिए यहां से अच्छी खबर सामने आ सकती है, 2 सीटों पर वो आगे चल रही हैं और अगर बीजेपी की ये 3 सीटों पर भी वो एंट्री कर लेती है तो फिर उसके लिए भी अच्छी खबर यहां से सामने आ सकती है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण, और महारथी एक बार उनका चेहरा भी देखना बहुत जरूरी है। देखिए हेमंत सोरेन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर बरहेट से, आपको बता दें जब से राज्य का गठन हुआ है बरहेट आज तक कभी भी नहीं हारी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहां से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर पीछे जाते हुए हम बात करें दूसरी सीट जो उनकी है दुमका की सीट, दुमका से अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, हालांकि कभी वो आगे चल रहे हैं कभी पीछे चल रहे हैं, हेमंत सोरेन के लिए दुमका से अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। जबकि बात करें रघुवर दास की, अब तक खबर आई थी 156 सीटों से ही आगे चल रहे हैं, फिलहाल पीछे हो गए हैं रघुवर दास, पीछे हो गए हैं जो अभी का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। तो यहां से जमशेदपुर से कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अच्छी खबर कम से कम रघुवर दास, कभी आगे कभी पीछे सरयू राय जो उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री थे वो उनको कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर रघुवर दास के लिए अच्छी खबर नहीं है, घर घर रघुवर का जो नारा वो ऐसा लग रहा है अंजना फेल होता हुआ इस वक्त झारखंड में दिखाई दे रहा है। बीजेपी फिर पीछे हो गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी 43 पर, भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। चलिए एक बार जरा ये सीट में कौन किसके खिलाफ है आप देख ही रहे परिस्थिति, लेकिन एक बार गौरव भाटिया और अरविंद वाजपेयी जी को एक साथ दिखाइए। क्या लड़ाई थोड़ी करेंगे? लड़ाई नहीं है, नहीं हमारा कोई विरोध हो सकता है, लड़ेंगे थोड़ी, आप कर लो वर्सेस थोड़ी होगा। अरविंद वाजपेयी जी आप बताइए कि ये परिस्थिति, आप यही कहेंगे कि बीजेपी को स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर चलना चाहिए और नीतीश बाबू पड़ोसी वाले राज्य में, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, नीतीश बाबू आज क्या सोच रहे होंगे? भाई ये तो संज्ञान बीजेपी को लेना है, हाँ। गठबंधन की राजनीति करनी है, पूरे देश में करनी है, तो ये कहने से काम थोड़ी चल जाएगा कि हमारा सेंटर में हो गया, उस स्टेट में हो गया, इस स्टेट में नहीं होगा। ये गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, ये तो नहीं चलेगा ना। हम ये कह रहे ना कि कोई इस पे बैठ के कोई चर्चा करके एनडीए के घटक दल बैठे हैं और उसमें आपस में तय हो कि भाई गठबंधन का मतलब क्या है और कहां तक किसकी लिमिटेशन है। बड़ी पार्टी बड़ा अपना दिल दिखाएगी, छोटी पार्टी ब्लैकमेलिंग नहीं करेगी। ये तो सिद्धांतिक बात है ना, इसमें मतभेद का नहीं है या वर्सेस का सवाल नहीं है, ये हम बार बार कहते हैं। और देखिए हम एक बात और कहते हैं बार बार कि अगर मुद्दों को डिस्कस करके पहले क्लियर किया जाएगा तो मतभेद नहीं होगा। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये देखिए तीन कई चरणों में चुनाव हुए हैं झारखंड में, 3 चुनाव ऐसे हुए जब सीएए सीएबी की बात पूरे देश में जोर शोर से चल रही थी। क्या आपको लग रहा है कि सीएए सीएबी ने भी यहां पर बीजेपी को हराने का काम किया है, ये मुद्दा चल नहीं पाया और जिस तरह से राष्ट्रवाद को लेकर महाराष्ट्र या दूसरे जगहों पर बीजेपी गई थी और ढोल बजाकर कहती थी कि देखिए हम तो सबसे बड़ी पार्टी, हमारा गठबंधन जीता, अब यही बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा सीएए सीएबी का फेल हो गया है झारखंड में? नहीं, इसमें ऐसा है, ये 2 फेसेस में आया, जब ये सीए तीन में मान लो, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रॉपर नहीं लगता है। बिकॉज हमारा ये मानना है कि विधानसभा के चुनाव में रघुवर दास जी का जो फेस था, उस काम तो इन्होंने किए हैं, देखिए काम पे भी मतभेद नहीं है। हमारा सिर्फ जरा सा ये कहना है कि रघुवर दास की कहीं ना कहीं राजनीतिक एरोगेंसी ने काम किया है जिससे नुकसान इनको हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये हम लोगों को साथ लेके चलते तो शायद स्थिति दूसरी हो सकती थी। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, पिछली बार बीजेपी के पास 37 थी और आप 30 और 32 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो सीट का मामला 5 का ही फर्क पड़ा ना जी। तो देखो ये करेक्शन है, ठीक है। विजय शास्त्री जी देखिए आपके सामने आ गए, गौरव भाटिया शास्त्री जी स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखिए, बताइए। अरविंद वाजपेयी जी कह रहे हैं बड़ी पार्टियों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, छोटी पार्टियों को ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए, तभी गठबंधन चलता है। अभी के रुझानों के मुताबिक 10 पीछे पिछली बार से आप 27 पर पहुंच गए हैं और 43 पर रुझान दिखा रहे हैं, जेएमएम प्लस की साफ स्पष्ट सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।
अंजना जी, हम तो अलायंस पार्टी की बात नहीं करना चाहेंगे। हमारे जो आज जो हम पीछे हैं उसका कारण सिर्फ हमारे अपने ही हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा। अलायंस पार्टी के लोग तो आपने देखा किस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रही थी और किस तरह से उन लोगों ने किया। लेकिन हम नहीं, चिराग पासवान की मैं बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं अपने अलायंस पार्टी की बात नहीं करूंगा। उनके साथ तो जो भी निर्णय लिया गया है ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी, आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनमें जितने भी कार्यकर्ता आते हैं उनमें महत्वपूर्ण जितने कार्यकर्ता हैं सबका आखिरी लक्ष्य तो यही होता है चुनाव लड़ना। लेकिन सीट तो एक होती है और लड़ने वाले अगर 10 हो जाए तो ऐसे में बड़ा एक धर्म संकट पड़ जाता है और कुछ इसी तरह की स्थिति वहाँ पर आई है। शास्त्री जी, आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जेडीयू, एलजेपी, बाकी आपके पुराने सहयोगियों ने आपस में मिलकर इस तरह की समस्याओं के बारे में आपस में मिलकर आपके ही सहयोगियों ने आपको हरा दिया? सीधे बोलिए, किस बात का डर है आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग अगर हारे हैं तो अपनों से हारे हैं। अपने आप देखिए ना, रघुवर दास जी की क्या स्थिति बन रही है, वहाँ कौन सामने है? सरजू राय जी, उनसे बड़ा और उनसे सीनियर और उनसे गंभीर कौन कार्यकर्ता हो सकता है? लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, अगर यहाँ अनुशासन के मूल्य पर हम लोग कोई समझौता नहीं करते, तीन तरीके से सवाल पूछने के बाद तो सरयू राय का नाम आपके मुंह से निकल गया। वो सुबह से ही हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सरयू राय भारी पड़े हैं क्या? अब आलोक जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? अब बैठ के एग्जाम खत्म, रिजल्ट आने के बाद रो रहे बच्चे की तरह, पहले मैनेज करते। अंजना जी, एक बात और शास्त्री से कहेंगे, उन्होंने खुद कहा कि कार्यकर्ताओं की बड़ी पार्टी सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी। नहीं नहीं नहीं, कोई रोल नहीं है शास्त्री जी। हमने आपको यह बताया कि हम लोग बड़े से बड़े और कड़े से कड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन ये निर्णय हम लोग अनुशासन के आधार पर लेते हैं। अगर सरजू राय के बारे में निर्णय लिया गया तो ये सार्वजनिक निर्णय रहा है, ये पार्टी का एक कठोर निर्णय रहा है, जो अनुशासनहीनता के सामने इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। इसलिए इसको हम गलत निर्णय नहीं कर सकते और इस निर्णय को लेकर हम रो नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको एक बात, आप कारण पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हम कांग्रेस से नहीं हारे हैं, हम अन्य लोगों से नहीं हारे हैं, हम तो अपनों से हारे हैं। बस ये हम आपको एक कटु सत्य बतलाना चाहते हैं। ठीक है शास्त्री जी, इसका जी भी बता शास्त्री जी, इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं आज भी हम वहां पर नंबर वन पार्टी ही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत आगे बढ़ गई है या उनके लोग बहुत खुश हो रहे हैं। हम आज भी झारखंड में नंबर वन पार्टी ही हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भी हैं। देखिए शास्त्री जी, आपको वोट परसेंटेज में, हमारे साथ संजय जी भी हैं, वो भी मानते हैं कि वोट परसेंटेज आपका ज्यादा भी हो, लेकिन आपने जो बात कही कि कार्यकर्ताओं की, उनको एक तरह से उनको निग्लेक्ट किया जाना, आपकी बड़ी पार्टी होते हुए भी एवं संघ का बड़ा योगदान होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में या पूर्वोत्तर में, क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों को आपने नेतृत्व राज्य में सौंपा उन्होंने उन सबको भी नकार दिया, उनकी बातें भी नहीं सुनी जाती? आप ये जो बात मान रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने हराया, इसका मतलब है कि केवल डिजिटल के जरिए, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी, जिससे कांग्रेस भी उसी तरह करती है, तो उसका नुकसान राज्यों में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व के नाम पर आप राष्ट्रीय चुनाव जीत लेते नहीं, हैं नहीं, लेकिन राज्यों में गली गली जाने का काम नहीं करते, नहीं कर सकते हैं। राज्यों में गली गली कहां जा रहे हैं? हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है, बूथ स्तर तक हमारा संगठन तो हार कैसे गए भाई? और हमारे कार्यकर्ता जी जान से हर जगह लगे हैं, लेकिन हमने जो नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं आलोक जी, कितनी बार बताया जाए, कम से कम आपकी समझ इतनी होनी चाहिए कि आप समझ सके कि जो आंतरिक युद्ध होता है उसमें क्या क्या खोया जाता है। आज हम लोग कांग्रेस से नहीं हारे हैं, अन्य पार्टियों से नहीं हारे हैं, हम अपनों से हारे हैं, इस बात का हमें खेद है। लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में कहीं कोई भी नाम लिया, अर्जुन मुंडा को भी कह दीजिए, अर्जुन मुंडा जी का भी नाम ले ही लीजिए, आदिवासी नेता तो नहीं कह सकते हैं आप, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो लोग सड़कों पर आकर के और बसों को भी जला देते हैं। अब लीजिए प्रभु, आप कहाँ चले गए अभिव्यक्ति की आजादी पर? बताइए कि अर्जुन मुंडा को भी आप सरयू राय के कैटेगरी में डाल रहे हैं क्या? मंत्री हैं आपके सरकार में, वो बोल रहे हैं ना,
नहीं नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो जब बताया जा रहा है कि अर्जुन मुंडा की बात की जा रही है, तो किसी के सोच पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। अर्जुन मुंडा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, दृढ़ता के साथ उन्होंने अनुशासन का उनको हमेशा आत्मसात किया है, अनुशासन के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन तय किया है, उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। पहले ही इतनी तारीफ कर देते तो कम से कम आज ऐसी स्थिति नहीं होती। और दिलचस्प है वो एक गाना भी याद आ रहा है कि हमें आप तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, वही स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी स्थानीय मुद्दों से हट गई थी, उसने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जिसको झारखंड की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। शास्त्री जी, नहीं ऐसी बात नहीं है अंजना जी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, 115 के लगभग स्कीमें वहां पर थी और उन स्कीमों का पूरा इम्पैक्ट वहाँ की जनता पर था, बहुत कुछ था। अब अगर इसकी गहराई में मैं जाऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि साढ़े तीन साल से भारत में हो क्या रहा है। आप 3 अप्रैल 2018 को अगर याद करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि विदाउट लीडरशिप बस देश की सड़कों पर लोग उतर आए थे, किस कन्फ्यूजन में, किसने उनको कॉल दिया था, किसी ने नहीं दिया था। एक केवल कांग्रेस पार्टी ने एक कन्फ्यूजन पैदा किया था कि भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान बदलने जा रही है, आरक्षण समाप्त करने जा रही है, इस प्रकार की कन्फ्यूजन। और इसका सहारा इंटरनेशनल एजेंसियों से लिया गया, इंटरनेशनल एजेंसियों से लिया गया था। आप ही देख रहे हैं, आप ही निगहबान है और कांग्रेस पार्टी को आप इतना ताकतवर मानते हैं कि वो आपका खेल खराब करने में कामयाब हो रही है और जिसके कारण आज ये सब परिस्थितियां आ रही हैं। मुझे लगता है सोनका शास्त्री जी की भाषा को और मिसेज इंदिरा गांधी के अगर भाषण को निकाल लिया जाए, वो भी कहा करती थी कि सीआईए का आंदोलन चल रहा है, सीआईए का एजेंडा चल रहा है, कामयाब हुई थी, लेकिन देश ने समझा दिया, लोगों ने समझा दिया कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीमा में रहे, अपने जद में रहे, उसे बाहर निकलेगी तो उसको समझा दिया जाएगा। अरे आज तो कम से कम थोड़ी सी आवाज नरम कर लीजिए सर, सब ठीक है सर, आज हम लोग अपनों की वजह से। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपको तो लंबे वक्त से हम लोग जानते हैं, आज तो थोड़ी आवाज नरम कर लीजिए। देखिए 28 पे अटके हैं, वो 42 पे पहुंच गए हैं सर रुझानों के मुताबिक। अब विपक्ष ये समझ गई है कि आपका खेल खराब करना है तो मिल के लड़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र में भी अब आपके लिए बस इस बात का कॉन्सोलेशन प्राइज हर जगह ले लेके आप अपने अलमारी में सजाते रहिए कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम नंबर वन पार्टी है, आपके अपने गठबंधन के साथी आपके साथ आना नहीं चाहते और उधर सारे इकट्ठा होके आपको हराना चाहते हैं। इस परिस्थिति में आप कॉन्सोलेशन प्राइज सबसे बड़ी पार्टी का रखिए अपनी अलमारी में, राज्य तो गया हाथ से। वाजपेयी जी एक रिएक्शन लेके चले जाते हैं, आइए आखिरी रिएक्शन देके जाइए। शास्त्री जी बोलिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, बोलिए बोलिए। देखिए ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता इन सब चीज़ों से सीख लेंगे, हमारे नेता इन सब सारी चीज़ों पर विचार करेंगे और आने वाले समय में जो भी निर्णय होगा इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र बहुत जिंदा है और उसको इन सब चीज़ों से एक सबक भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। ठीक है, चलिए वाजपेयी जी अब ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि हमें अपनों ने ही हराया, पार्टी के अंदर के लोगों ने, ये श्रेय भी आपको नहीं देना चाहते? नहीं, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन देखो इसको हार जीत को एक स्टेट के जाने से कोई इतना बड़ा भारी संकट नहीं आ गया है। देखिए नरेंद्र मोदी का वो तो कम नहीं हुआ ना, आप अभी भी फैन है मोदी के? अरे बिल्कुल है, बाकायदे है, और हम नहीं है पूरा देश है, और देश नहीं है पूरा विश्व है उनकी नीतियों का। क्या बात कर रहे हैं, प्याज का महंगा होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे सुनिए, और सुनिए, का मंत्रालय है, जो आदमी 370 हटा सकता है, जो आदमी राम मंदिर बनवा सकता है, जो आदमी 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन दे सकता है। बोलिए, नहीं नहीं क्या एनआरसी प्लस सीए, एनआरसी अभी आया नहीं है, प्लीज माइंड यू, एनआरसी नहीं आया है, सॉरी नहीं सीए आया है, उसको हमने समर्थन दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। एनआरसी सिर्फ आसाम में आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, देश भर में नहीं आएगा, वो वाला नहीं आएगा, वो वाला नहीं आएगा। कल प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ किया, बिल्कुल बड़ा साफ किया, वो गलत था ना। अच्छा एक बात सुनिए, जो गृह मंत्री संसद में बोल रहे थे वो गलत, गृह मंत्री ने अपना बयान अपने तरीके से संसद में दिया, उसकी एक मानना है,
और प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान का हेड होता है, कैबिनेट का भी हेड होता है। जब उन्होंने कह दिया कि अभी कोई चर्चा नहीं हुई, अभी नहीं आया, तो उसके वर्डों को लेना पड़ेगा। चलिए, मौसम वैज्ञानिक आप लोग अपनी भी मानते हैं। कौन झूठ बोल रहा है? या तो देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, देश के अभी नहीं आया, अभी चर्चा नहीं हुई, आएगा आएगा। मंत्री जी कह रहे कि आएगा, तो वो भी नहीं कह रहे, कोई चर्चा ही नहीं हुई। अरे तो अभी चर्चा नहीं हुई, अभी चर्चा हो जाएगी। मामला कैसे फिसल गया? ये हावी होकर 41-3 का जब आप देख रहे हैं जेवीएम का, बाबूलाल मरांडी जी को आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरा मामला। एक सेकंड वाजपेयी जी, एक सेकंड, एक चलते चलते एक और सवाल का जवाब देते जाइए। आप जो है ना प्याज, प्याज कारण है कि नहीं? क्या पासवान जी का मंत्रालय प्याज है? यदि आप जीत का हार का मोदी जी को श्रेय देते तो उसको भी कोई कारण माने? 200 रुपया प्याज, मोदी जी के तो फैन है वो। वो नहीं है मामला, वहाँ हकीकत में ही है नॉन ट्राइबल एंड पॉलिटिकल एरोगेंसी ऑफ मिस्टर चीफ मिनिस्टर। ये दो कारण और महंगाई बिल्कुल नहीं है, महंगी महंगाई और इशारा करते हुए कहा था, सब जगह है वो, कोई और इशारा करते हुए कहा था कि महंगाई बहुत चरम पर है। हेमंत सोरेन साहब ने ये महंगाई टेम्परेरी फेस है, अगले 15 दिन बाद प्याज सस्ता हो गया, कितने सस्ता हुआ है, तो वो तो धीरे धीरे ये मार्केट है लोकल। कितने रुपए किलो है सस्ता हो गया? कितने रुपए किलो है? बाजार जाते कि नहीं जाते? अभी 80 रुपए हुआ नहीं हुआ? नहीं कहाँ 80 रुपए है? 150 रुपया महाराज, 80 रुपए 150 रुपया है, 80 कहिए तो अभी लोग आपके पास घर आ जाएंगे, चले जाइए, 80 रुपए कहेंगे घर लोग आ जाएंगे। ये हर साल करोना। देखिए वित्त मंत्री जी की तरीके से आप ये मत कहिए मैं प्याज नहीं खाती। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमारे नेता ने पार्लियामेंट में एक बड़ी अच्छी बात की। कौन से वाले नेता आपके, मोदी जी या पासवान जी? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। संजय जी भी आपसे कुछ पूछेंगे अभी, पूछ लेना, बकायदा पूछे। तो उन्होंने कहा कि देखिए सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की राजनीति अब गड़बड़ा गई है, अब खत्म हो गई, अब विकास की राजनीति चलेगी। और ये हकीकत है, अब ये इशू नहीं है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन प्री पोल अलायंस में है, कौन पोस्ट पोल अलायंस में होगा। ये देखिए जब शिवसेना कहां से कहां जा सकती है, तो अब ये इशू कहां रह गया? वो अब शिवसेना के पीछे से कम की, सुनिए, जो अब शिवसेना की बड़ी खबर दे रही है, बड़ी खबर दे रहे हैं, कोई खबर नहीं दे रहे आप, कोई खबर किस तरीके नहीं, नहीं सेंटर इसके पीछे की वजह यही है, दो संजय जिसके बिहार चुनाव में जाते हैं ज्यादा सीटें मिल जाए, इस वजह से धमकियां भी शुरू कर दिया। जहां संजय बोलिए खड़े होते हैं वहाँ ही सरकारें बनती है और वही सरकार। अरे मौसम निर्माता बनिए, विशेषज्ञ बनिए, कोई फायदा नहीं है। सुनिए, एक दो वाजपेयी जी कह रहे थे कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, करीब करीब एक तरह से समझिए बेरोजगारी और महंगाई ये दो सबसे बड़े मुद्दे रहे। ये जरूर है कि हम ये इस बात का आकलन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते कि इन्हीं मुद्दों पर कितने लोगों ने वोट दिया, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा था और उसमें प्याज भी जरूर रहा होगा। और दूसरी बात जो बार बार हो रही थी कि अपनों ने ही हमें हराया, जो अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे, मुझे लगता है इस अपनों की कतार में सबसे आगे रघुवर दास हैं, क्योंकि जितनी नाराजगी उनसे नजर आई झारखंड में, और हमने सर्वे के आधार पर भी देखा और आपका सर्वे भी ये बता रहा है कि जब आप पूछते हैं कि किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, किसी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं होगी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर की रेटिंग जो है उसकी रेटिंग दूसरे पार्टी के नेता से कम हो। हाँ। तो ये उस कतार में सबसे आगे रघुवर दास है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं था 29 और 27 मिनिस्टर का आंकड़ा नीचे हो पोल में हमेशा फायदा मिलता है, ये बिल्कुल अद्भुत है, ऐसे आंकड़े कभी हमें देखने को। क्यों नहीं समझ में आ रहा था शास्त्री जी आप लोगों को? देखिए हमारी सरकार वहाँ पर बेहतरीन काम की थी 5 साल तक, और बहुत सारे जनहित के कार्यक्रम को लेकर के आगे चल रही थी। उसका नेतृत्व रघुवर दास जी ही कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था, और उसका इम्पैक्ट भी जनता पर दिखाई दे रहा था, वहाँ खुशहाल थे लोग। लेकिन ये अलग की बात है कि जब लड़ाई किसी डायरेक्शन में चली गई तो फिर ऐसे जद्दोजहद में तो अच्छे अच्छे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने महसूस किया है, पार्टी के लोगों ने इन सब चीजों पर। शास्त्री जी अब आपकी बातों से भी वो महसूस होने लगा है जो दर्द है बीजेपी, देखिए 30 के भी अंतर आ गई है। मैं चाहूंगी अब मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से वो आंकड़ा दिखाया जाए टीवी स्क्रीन पर कि बीते एक साल में कैसे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 5 राज्य खिसक के बाहर चले जाते हैं। पिछले ही साल का यही दिसंबर महीना था, 11 तारीख को जो रिजल्ट निकले थे, देखिए झारखंड जो आज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी नंबर वन पार्टी 105 सीटों के साथ बनी लेकिन सरकार शिवसेना की बन गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश में 40,000
46,000 वोट उससे ज्यादा मिले थे, लेकिन मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया। वहीं झारखंड में आपने देखा बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ हुई थी, शानदार प्रदर्शन वहां पर कांग्रेस पार्टी का रहा था। राजस्थान से भी बीजेपी को हाथ धोना पड़ा था। तो ये वो 5 राज्य हैं, और इसी के जरिए मैं चाहूंगी वो नक्शा भी दिखाया जाए एक बार फिर से, जहां पर बीजेपी गायब होती हुई किस तरह से बीते 5 सालों में नजर आ रही है देश के अलग अलग हिस्सों से, और अब सिर्फ कुछ ही महत्वपूर्ण राज्य रह गए हैं उसके पास, कर्नाटका जहां पर हाल ही में उसकी सरकार बनी। ये देखिए एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गायब होती हुई चली गई है। पहले उसका किस तरह से एक छत्र राज था ऐसा लग रहा था, लेकिन अब नीचे कर्नाटक, एक तरफ गुजरात, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व की राज्य आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 71% पर काबिज होने वाली यह पार्टी देखिए 35 के आसपास अब उसका आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कैसे सिमटती हुई, सिकुड़ती हुई देश के नक्शे से चली जा रही है। अब इसी सवाल के साथ मैं एक बार फिर से शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी, ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है, एक साल में 5 राज्य, 5 बड़े राज्य आपके हाथों से फिसल गए। नहीं चित्रा जी, एक बात तो आपको मैं बतलाना जरूर चाहूंगा कि ये 5 राज्य में भले ही सरकारें बनी हैं, लेकिन किस तरह की सरकारें बनी है ये भी आपको पता होगा, कोई बहुमत की सरकार नहीं बनी है। आज भी उन राज्यों में मैंडेट भाजपा के ही साथ रहा है, सर्वाधिक वोट भाजपा को ही मिले हैं और सर्वाधिक सीटें भी भाजपा को मिली है। आज जहां झारखंड की बात कर रही हैं तो यहां पर भी हम नंबर 1 ही पार्टी हैं।